अभी एक पीछे से जिन धक्का नहीं मार रहे तो क्या हो रहा है? कुछ तो है। नानी ने बोले मतलब है जिनके पास नहीं है, जिनके पहाड़ है यहाँ पे। नानी मैं तुमको दिखा कोई? बात दिखा ना, बताइए तो सर, पर क्या सुनो, ए माँ दिख रहे हैं भाई दो दिख गए। अरे ये तो डर मेरे को लगे। डर लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज होगी मदीने शरीफ की ज़ियारतें, बस खड़ी है, हम जा रहे हैं। कहाँ कहाँ ले जाएंगे वो पता तो नहीं है, बट देखते जहाँ भी जाएंगे ज़ियारत कर लेंगे। हमारे साथ रहेंगे इस्माइल भाई और एक मौलाना है, वो रहेंगे, वो ज़ियारत करवाएंगे। अजर ज़ियारत के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे? इंशाल्लाह पहले हो जाएंगे इनका हज, और उसके बाद नजीरतन, ठीक है, फिर गजबाए अहज़ाब, हाँ, और उसके बाद इंशाल्लाह खजूरों के बाग में। वादिया जिन नहीं जाएंगे? वादिया जिन शिरके में नहीं आता, अच्छा अलग से जाना पड़ता। जैसा कि आपने सुना सब जगहों पे हम जाने वाले, वादिया जिन करके भी एक जगह है, वहाँ भी जाना है खास, बट ये बोल रहे कि वो रास्ते में नहीं आएगा, देखते वो अलग से चले जाएंगे अपन। और क्या सामने जबले रुमात, ये जबले रुमात पहाड़ी है जिस पर सरकार ने 50 तीर अंदाज को मुकर्रर फरमाया। ओहद पहाड़ है, इस पर भी 3 रिवायतें आती कि हुजूर ने फरमाया कि मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ और ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। और दूसरी रिवायत यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु इस पहाड़ पर चढ़े तो ये हिलने लगा। पूछा गया कि हिलता क्यों है, तो कहता है कि आज तक मुझ पर कोई नबी नहीं आया तो मैं हुजूर की आमद पर झूम रहा। ये है मस्जिद क़िबलतैन। अब हमारा काफिला यहाँ पहुँचा है, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज के दरमियान जो है किबला चेंज हो गया था। पहले मुसलमानों का जो किबला था वो फिलिस्तीन में था, फिर जो है बैतुल्ला हो गया था जो मक्का शरीफ है, अल्लाह का घर। तो यही वो मस्जिद है जहाँ पर किबला चेंज हुआ था। तो बस अब यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे। यही वो बाग है माशाल्लाह जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए अंदर जाना फिलहाल अलाउड नहीं है, फिर भी हम सरहद के थोड़ा इस पार आ गए हैं अंकल से रिक्वेस्ट करके, और बहुत खूबसूरत जगह है। चिड़िया की आवाज आ रही है यहाँ पे, और यही पे करीब में वो मैदान है जिस जहाँ पर हुजूर ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मदीने की मिट्टी में भी शिफा है। तो मदीने की मिट्टी अगर चेहरे पे लगे तो चेहरा ढाकिए मत, क्योंकि उसकी मिट्टी में भी शिफा है। तो अब हमारा काफिला पहुंचा है मस्जिद कुबा, जो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ऐसा कहा जाता है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि जो 2 रकात नफिल मस्जिद कुबा में पढ़ ले तो उसे एक उम्रे का सवाब मिल जाता है माशाल्लाह। जो उम्रा हम करते हैं, जो अहराम बांधते हैं, जो हम तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, उसका पूरा सवाब आपको यहाँ 2 रकात नफिल पढ़ने से मिल जाता है, सुभान अल्लाह। तो अब हम चलेंगे, बैठ के दुआएं कर लिए माशाल्लाह, अब हम चलेंगे 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे और सबके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि उसी लिए तो यहाँ पे आए। तो हमारी सवारी निकल चुकी है, मैं, नानी और नानी के 2 बेबीज, हम निकल चुके हैं वादी है जिनकी ओर, जहाँ पर गाड़ी न्यूट्रल में अपने आप चलती है। और हमारे साथ है मोहम्मद अकमल भाई। मोहम्मद अकमल भाई जो है पाकिस्तान से है, और आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मैं 18 साल से। 18 साल से ये यहाँ पर है। सामने जो पहाड़ है जबल ओहद का है, ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है जबल ओहद। ये है जिनों के पहाड़। ये है वादी जिन का आखिरी पॉइंट। वादी जिन का अजूबा तो अब तक देखे नहीं हमने, लेकिन यहाँ पर ऊंट की सवारी हो रही है। अभी आप न्यूट्रल कर ले गाड़ी। गाड़ी न्यूट्रल हो गया है। पैर दिखाइए, आपका पैर दिखाइए। हम पैर लगाई नहीं, दोनों पैर। गाड़ी न्यूट्रल पे है, गाड़ी अपने आप चल रही है। देखिए भाई गाड़ी अपने आप चल रही है न्यूट्रल पे। इतनी स्पीड, मतलब इतनी स्पीड हो जाती है यहाँ पे न्यूट्रल पे गाड़ी है, और स्लोप भी नहीं है, इट्स अ नॉर्मल वे, सीधा रास्ता है, स्लोप वगैरह भी नहीं। उल्टा भी आए तो चलेगी। हाँ उधर से आओ, इधर से आओ, अब चलेगी। ये यहाँ की खासियत है। चलिए अब देखते हैं कि स्पीड कहाँ तक जाती है इसकी न्यूट्रल पे। नहीं
न्यूट्रल पे गाड़ी चल गई है 100 की स्पीड पे, बढ़ गई है स्पीड जो है, बढ़ गई है 106 हो गई है, 110, 111। तो अगर आपको भी अपना पेट्रोल बचाना है और बिना रेस के गाड़ी चलाना है तो आप यहाँ पर आ जाइए। 7 किलोमीटर का पेट्रोल आपका बच जाएगा, है कि नहीं? सही बात बोला, बिल्कुल। 120 पे पहुंचने वाले हैं, 119 की स्पीड पे गाड़ी चली है बिना एक्सीलेटर के, बिना स्लोप के, सिर्फ न्यूट्रल। अभी ये पीछे से जिन धक्का नहीं मार रहे तो क्या हो रहा है? कुछ तो है, नानी ने बोले मतलब है जिनके पहाड़ है, जिनके पहाड़ है यहाँ पे। नानी मैं तुमको दिखा कोई दिखा ना बताए तो माँ सही में दिखा मेरे को डर लग रहा।